Morning, Rancho. Good morning. अरे वाह, रंजू साहब हमारे लिए चाय लाए हैं, हाँ? हम कहती हैं? हाँ? अरे, ये तो करेंगे ही। पहले चाय तो पी लें। अच्छा, ठीक है। जैसा रंजू साहब की मर्जी। ओके। पवन, मेरा जूता तो लाना। पता नहीं कहाँ रख दिया। जरूर पिछले जन्म में तेरा और मेरा कुछ संबंध रहा। आप तो अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपनी खूबसूरत दिखली तो आप मेरे पास छोड़ जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, राजा और रैंचो को कोई जुदा नहीं करूंगा। आप मुझे क्यों भूलिए? राजा, रैंचो और पवन को कोई जुदा नहीं कर सकता। सर, इतना होशियार बंदर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो मेरे पेट में लात मारने की फिराक में है। इसीलिए पवन, हम इसे सिर्फ बंदर नहीं रहने देंगे, इसे ट्रेनिंग देंगे समझदारी की, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि बंदर और इंसान में कोई फर्क नहीं होगा। हेलो, हाँ नमस्ते व्यवसायी साहब। हाँ जी, हाँ आने वाले एमएलए के चुनाव में मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। जी हाँ जी, आप जैसे लोग हमारे पीछे हो तो ही हम जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, जरूर जरूर। ओके सर, ओके। अरे मिश्रा जी, आप यहाँ कैसे? कहिए कैसे आना हुआ? अरे आना जाना तो लगा ही रहता के नाना जी, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। बैठिए बैठिए। अरे अब बैठना कैसा, जब खड़ा ही हो चुका हूँ इलेक्शन में। हाँ खबर है मुझे। खबर है आपको? ओके, बाद भी आप अपना नाम नहीं हटाए, हमारे खिलाफ लड़ेंगे आप? नहीं मिश्रा जी, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो इस गंदी राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। आपके मुंह से राजनीति की बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप कौन से दूध के धुले हैं? दूध का धुला तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इस इलेक्शन में तुम्हारे धुले के खाते पानी तक नसीब नहीं होगा। कह देता हूँ, हाँ कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपको अपनी जमानत प्यारी है तो आप इस इलेक्शन में बैठ जाए तो यही बेहतर होगा। शायद तुम जानते नहीं हो मिश्रा, मैं जब एक बार खड़ा हो जाता हूँ तो बैठता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जनता खुद ही बैठा देगी। हाँ अपनी जीत पर अगर इतना भरोसा होता तो इस तरह मेरे घर आने की तकलीफ नहीं करते। केदारनाथ, चिल्लाओ मत, जाओ जाओ, जाकर अपनी जमानत संभालो। ये बात है, ये बात है, हम तो देख लेंगे। कह देता हूँ बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इस बाजी में उतरने वाले महंगे और सस्ते की परवाह नहीं करते। आ गए हमरे हमरे कर दिए। हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके नमस्ते, अब मैं यही नंबर तुझे विसल मार के सिखाता हूँ। 1 मतलब 2
रही। हाँ कहो लाला, क्या खबर लाए हो? खबर बुरी है मिश्रा जी, पूरे इलाके का दौरा करके आ रहा हूं। जनता आपसे ज्यादा केदारनाथ से प्रभावित लगती है और केदारनाथ के होते हुए आपका इस चुनाव में जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। क्या बक रहे हो लाला, हम जिंदगी में कभी हार नहीं माना हूं। तो क्या है मिश्रा जी, आजकल जनता को अपने वोट की कीमत का पता चल गया है और झूठी आश्वासनों से वोट खरीदे तो नहीं जा सकते। समझ रहा हूं। जब तक हम जनता को वोट नहीं दूंगा, जनता हमको वोट नहीं देगी, यही ना? मगर उतना पैसा हम लाएंगे कहां? तुम इसकी चिंता मत करो, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। गाड़ी वहां लेकर निकली है जिसका नंबर है MRC 8332। अंडरस्टैंड? यस ओवर एंड आउट। दे दे भैया, भगवान के नाम पे दे दे। रामनाथ जी, आप यहाँ कैसे? अरे केदारनाथ जी, क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं, ये प्लग में जरा गड़बड़ लग रही है मुझे। मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं नहीं बस ठीक है, अभी हो जाएगा। गाड़ी यहाँ से निकल चुकी, बी रेडी। और एक्सीडेंट हो गया तो आप लोगों में से पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी? मैंने दी थी। मेरा नाम रामनाथ है, ये मेरे मित्र हैं केदारनाथ। हम दोनों ने उस वैन को लूटते हुए देखा था। हाँ, और दौड़ते वक्त उनमें से एक का पैर फिसल गया था, बस चेहरे से नकाब उलट गया।
और हमने उसे देख लिया। यस गुड। आप दोनों लोगों को पुलिस स्टेशन चलकर बयान देने की तकलीफ करनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। रामनाथ जी, इस फाइल में तमाम गुंडों की तस्वीरें हैं। जरा आप ध्यान से देखकर बताइए कि क्या उस गुंडे की तस्वीर इसमें है। इधर जी, ये देखिए आप, इसका चेहरा कुछ कुछ उस गुंडे से नहीं मिलता। जी हाँ जी हाँ। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये फोटो उसी डकैत गुंडे का है? देखिए, इस फोटो में दाढ़ी है, लेकिन हमने जिसे देखा था उसकी दाढ़ी नहीं थी। हाँ हाँ, करेक्ट। ये 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 फोटो उसी का है, पक्का। नाम मुन्ना, उम्र 30 साल। आप दिमाग पर जोर डालकर बताइए, क्या ये आदमी लंगड़ा कर चलता? हाँ हाँ, लंगड़ा कर चलता था, क्योंकि जब ये भागकर बहन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो ये लंगड़ा कर दौड़ रहा था। हवलदार, फौरन मुन्ना के बारे में जाकर कंट्रोल रूम को खबर दो, जरूरत पड़े तो उसके गांव तक भी जाओ। मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए फौरन। थैंक यू रामनाथ जी। थैंक यू केदारनाथ जी, शुक्रिया। कहना है कि बैंक रॉबरी का ऑपरेशन कामयाब तो हुआ, लेकिन अफसोस कि मुंडा को किसी दो आदमियों ने देख लिया था। वो क्या है बॉस, की दौड़ते वक्त मेरा पांव फिसल गया, इसकी वजह से मेरे चेहरे से नकाब। मुन्ना जी, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ से गायब हो जाओ, जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू। मुन्ना को जिन दो लोगों ने देखा उनके नाम? एक का नाम रामनाथ है और दूसरे का नाम केदारनाथ, जिनमें से एक की गाड़ी का नंबर है MFC 6088। राइट, अभी RTO के रेकर्ड पर से तुम्हें उस मालिक का नाम और पता हासिल करना होगा। सचिन और टोनी, जिम्मेदारी तुम पर रहेगी। यस बॉस। लेकिन भैया, तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देने की? कमाल करते हो मणि, अरे मेरे सामने गुंडे वो बैंक लूट कर ले गए, इतने लोगों को मार डाला, और मैं एक अच्छा शहरी होने के नाते पुलिस को इन्फॉर्म ही ना करता? इतना बुजदिल मैं नहीं हूं। जमाना बदल गया भैया, इस दुनिया में तो आप देखो, मुझे दुनिया वालों से मत मिलाओ प्लीज। जब वो दो चार लोगों को मार सकते हैं तो हाँ, मुझे भी मार सकते हैं, यही ना, मैं डरता नहीं। मणि ठीक कह रहा है, उन गुंडों का क्या भरोसा, और पुलिस भी तो। अब पुलिस के पास इतनी फौज नहीं है कि हर शहरी के पीछे एक कांस्टेबल लगा दिया जाए। और याद रखो सावित्री, जो आदमी एक अच्छा सिपाही नहीं हो सकता, वो एक अच्छा शहरी कभी नहीं हो सकता। लाला, अगर रामनाथ और केदारनाथ बैंक रॉबरी की गवाही दे रहे हैं, इससे हमको क्या हानि हो सकती है? मैं रामनाथ की नहीं, केदारनाथ की बात कर रहा था। गुंडे जब पकड़े जाएंगे
तो केदारनाथ को उस बात का श्रेय निश्चित मिलेगा और कैंपेन में भी वो उसी बात को लेकर खेलेंगे। जनता उनकी बातों में आ जाएगी और उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अरे इन सब बातों से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, आज उनका पलड़ा भारी कल हमार होगा। बात सिर्फ इस है कि वजन सही जगह पर पड़ेगा चाहिए। मुन्ना के गांव एक आदमी भेज दिया है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कौन कौन बेईमानी कर रहा था? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो लड़ किस बात पे रहे थे तुम लोग आपस में? चीटिंग कर रहा था, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन चीटिंग कर रहा था? एक मिनट,